नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी का स्पीड न्यूज प्रोग्राम सुबह सवेरे। देश में कोरोना वायरस के मामले 2900 के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 30% संक्रमण के मामले तबलीगी जमात के मरकज से लौटे लोगों की वजह आए सामने। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 601 केस बढ़े। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा केरल, मध्य प्रदेश और दिल्ली में कोरोना के 58 मरीज अभी गंभीर हालत में, लेकिन भारत में कोरोना संक्रमण की दर दूसरे देशों से कम। मेडिकल स्टाफ से जमातियों की बदसलूकी का सिलसिला जारी। गाजियाबाद के बाद कानपुर और लखनऊ से आई शिकायतें। यूपी के सीएम योगी ने मेडिकल स्टाफ से बदतमीजी करने वालों पर रासुका लगाने का दिया आदेश। कोरोना पर भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी। सरकार ने कहा लोग घरों में कपड़ों से बने मास्क पहने, इससे देश में बड़े पैमाने पर संक्रमण रोकने में मिलेगी मदद। प्रतिदिन गर्म पानी से धोया जाए मास्क। कोरोना संक्रमण के बीच आई अच्छी खबर। कोरोना पॉजिटिव मां ने स्वस्थ बच्चे को दिया जन्म। कुछ दिन क्वारंटाइन रहेंगे मां और नवजात। दिल्ली में इस तरह का ये पहला मामला। मध्य प्रदेश का उत्कृष्ट आवासीय विद्यालय गुरुकुल रीवा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन LKG टू क्लास 11। अब दिल्ली, कोटा, इंदौर जाने की जरूरत नहीं। स्कूल की पढ़ाई के साथ कोचिंग भी IIT, JEE, नीट, CPT, CLAT, NTSC, NDA। स्मार्ट क्लासेस, सुयोग्य और प्रशिक्षित शिक्षक, प्रतिदिन अतिरिक्त कक्षाएं, बच्चों का सर्वांगीण विकास, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग AC हॉस्टल। गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खैरा रोड, चोरहटा, रीवा। संपर्क करें 7024892222। मध्य प्रदेश में हर रोज बढ़ रहे कोरोना के मामले के बीच शिवपुरी से आई राहत भरी खबर। दुबई से लौटे कोरोना पॉजिटिव युवक की हालत में सुधार। दूसरी और तीसरी जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन और मुरैना जिले में कम्युनिटी संक्रमण का खतरा। मुरैना में एक ही परिवार के 12 लोग संक्रमित। 10 रिश्तेदारों में भी मिले संक्रमण के लक्षण। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना संक्रमित कंटेनमेंट एरिया से लोगों को किया गया क्वारंटीन। नगर निगम ने शुरू की किराना सामग्री की होम डिलीवरी। राशन वितरण में सहयोग करेंगे पुलिस जवान। प्रदेश के धार जिले में लॉकडाउन के बीच किराना सामान खरीदने दामाद के साथ बाजार आया था बुजुर्ग, पुलिस को देख भागा। अचानक गिरने से हुई मौत, पुलिस SDOP ने बताया हार्ट अटैक को मौत की वजह। लॉकडाउन का पालन करते हुए रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने समाज सेवा के लिए शुरू की अनोखी पहल। अपने आवास में खुद मास्क बनाने के कार्य में जुटे सांसद। लोगों से की जरूरतमंदों की मदद की अपील। लॉकडाउन के बीच इंदौर से रीवा लौट रहे छात्र की विदिशा में एक्सीडेंट से हुई मौत। वाहन नहीं मिलने पर बाइक से घर लौट रहा था छात्र, तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। छात्र पुष्पेंद्र वर्मा इंदौर में रहकर करता था पढ़ाई। आज के दिन शहडोल जिले में रहेगा टोटल लॉकडाउन। जिला कलेक्टर के आदेशानुसार दवाई की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें रहेंगी बंद। आम लोगों से की गई प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मिला एक और कोरोना पॉजिटिव। तबलीगी जमात से लौटा 16 साल का लड़का पाया गया कोरोना संक्रमित। जिला प्रशासन ने रायपुर एम्स में किशोर को कराया भर्ती। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए रायपुर एम्स ने मरीजों के लिए शुरू की टेली मेडिसिन की सुविधा। मरीज वीडियो, वॉइस कॉल और चैटिंग के जरिए विशेषज्ञ डॉक्टरों से ले सकेंगे सलाह। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण को लेकर दिया जलाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जताई असहमति। कहा ये खुशी का समय नहीं, देश में दहशत के साए में जी रहे हैं लोग, ऐसे समय में दिया जलाना ठीक नहीं। गुड मॉर्निंग टीवी के स्पीड न्यूज प्रोग्राम सुबह सवेरे में आज इतना ही, लेकिन आपसे विनम्र अनुरोध है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद की, अपने परिवार की और पूरे समाज की रक्षा करने में अपना योगदान दें। घर पर ही रहें और शासन के निर्देशों का पालन करें। नमस्कार।